हम इसको उठाएंगे यहाँ रेस्क्यू सेंटर में रखेंगे, तब तक हम कोशिश करें उनके इसके बच्चे भी पकड़ेंगे हम, और यहाँ के लोगों का दहशत खत्म हो जाएगा। करीबन एक हफ्ते से मैं तो हफ्ते से हम यहाँ राजबार्स में, चाहे शाठी गांव में, राजपुरा में, आज यहाँ भी फिर तीन पंच यहाँ हमला गए तीन गांवों में, लेकिन ये तो बहन वही है कन्फर्म, वही है कन्फर्म। हम तो आठ बंदे, छः बंदे यहाँ हंदवारा कान से ये ब्लॉक के हैं, दो हमने ये तो सोपोर कंट्रोल रूम से, आठ बंदे इस वक्त हम। हाँ यही है, जब तो प्रूफ है ना, यही सब मकबरा जिसने खोला है वो यहाँ भी पंजरा लगाया 10 दिन पहले, पहले भी मैंने बताया सर, हाँ 10 दिन पहले, 10 दिन आज पकड़ा गया जी। ये तो बीच बीच में आते थे, दूसरे दिन ये तो राजपुरा में आते हैं, ये एक दिन शाठी गांव में आते हैं, आज तो फिर यहाँ आई यहाँ राजपुरा में भी शाठी गांव में भी तीन गाँव में जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जम्मू कश्मीर पुलिस का भी और पब्लिक का, जहाँ भी हम पहुँचे वहाँ पब्लिक का सपोर्ट रहा, शाठी गांव में भी, राजपुरा में भी, इस बुच्छिंगी में भी। आपका मानना है कि आखिर आप कामयाब हो गए? इंशाल्लाह हम कामयाब। पहले तो हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि मखमे वाइल्ड लाइफ और JKP सजलडारा, जिन्होंने बहुत कोशिश की। पहले ये इन्फॉर्मेशन की थी कि जो मर्दगुजार है यहाँ पे कब्रिस्तान है, वो यहाँ पे एक ऐसा दरिंदा जो रिच दरिंदा था, जिसने जो मैयतों को बाहर निकाल कर उनका निवाला, उनको अपना निवाला बनाता था और उसके बाद आदमी को फेंक देता था, फिर दोबारा हम उनको दफन खाक बसर करते थे, और जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मखे में वाइल्ड लाइफ फिल फोर जाए मुकाम पे पहुंच गई, उन्होंने इस रिच को पकड़ा, तो उसके बाद मेरी ये काम ये भी कि आज जो ब्राउन बियर हापुत रोड हजाम वाला बुच्छुंगी मज तो अल्लाह ताला दी कामयाबी तो सोच एडमिनिस्ट्रेशन हेलो डीडीसी राजबार वीडीसी राजबार सच मोतबान अपील मोतबान गुजारिश कि इमन कब्रिस्तान करन फेंसिंग। अच्छा कब्रिस्तान करन फेंसिंग, कब्रिस्तान करन फेंसिंग। एमएस वर्जी वो आप तो वारिया दहशत फैलामत वारिया मौत कर तकरीबन 7 मौत कर एम नेबर बेगस इमन लाइट ऑन इंतजाम कर सुन कब्रिस्तान अंडर से गवर्नमेंट के वा तो एम चलो जोकुन बस Yo